गुड मॉर्निंग गाईज, कसे आहात सर्वजण? मस्त मजेत ना? मी पण एकदम झकास. तर इकडे कांद्याची चटणी आपली बनलेली आहे, त्याचबरोबर इथे छान असं टोमॅटो रसम पण मी बनवलेलं आहे. माझ्या मुलांना खूप आवडतं, तर आठवड्यातून एकदा दोनदा असतंच माझ्याकडे टोमॅटो रसम. खूप टेस्टी लागतं भातावर, आणि सूप म्हणून पण तुम्ही पिऊ शकता. तर इकडे बनत आहेत छान छान अशा चपात्या. चला आता मी आवरून घेते, सगळ्या चपात्या बनवते. तो पण सक्षम पण आवरतोय स्कूलला जायचे. तर गाईज, मी पण झालेले आहे रेडी. चला आता जाऊया स्कूलमध्ये. सक्षम पण रेडी झालेला आहे, त्याला स्कूलमध्ये सोडते, मी स्कूटी ट्रेनिंगला जाते. चला, तो रेडी झालेला तुम्हाला दाखवते. बच्चा अपना झोला उठा के तयार आहे स्कूल में जाने के लिए. हाय कर बच्चा. हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. यो स्मार्ट वॉच बच्चा पहन के स्कूल में जा रहा है. इधर देख, येतं का घालता येतं? बच्चा घड़ी पहन रहा है. अभी बड़ा हो गया बच्चा, अभी सक्षम सेट हो गया. देखो बच्चों को आता है घड़ी पहनना. भाई टाइम बता. 7:51. परफेक्ट टाइम. ओके, आ गया. तू सच में बड़ा हो गया. दूध पिला? टिफिन बॉटल, टाइम टेबल भरला, नॅपकिन घेतला का, पाण्याची बॉटल? ओके, चलो तो जाएगे अभी स्कूल में. रुक, मुझे आने दे. आऊ ना मैं. हे बघा, हे माझं पोरगं माझी गाडी आधीच काढून येते, म्हणजे सगळं करून ठेवते. एवढं काम करते पोर, म्हणजे कसं काय, क्या बात है, क्या बात है. चल अभी दे मुझे. नहीं देना है, डबल सीट लेगा? नको. और क्या मालूम वो लीकेज भी है शायद, पाइप बराबर डाला नहीं है वो. पानी लीक कर रहा है. दीवार देखो ना कैसे गंदा हो गया. किधर से लीक? हाँ, जो पीछे जो पाइप है ना पानी बाहर का, मशीन का, तो शायद वो बराबर नहीं लगा है. लीक किधर से? इधर से, ये साइड से, वो जिधर जिधर पाइप है ना, वो ये साइड. हाँ हाँ, कहा तो वो लीक है. दीवार गंदा हो गया. मतलब पूर्ण स्वच्छ राहत आहे, पाण्याचा प्रेशर कचरा निघतो.
करून झालेला आहे, आता फिटिंग करतात. पूर्ण एवढा खोलून पूर्ण वॉश करून एकदम क्लीन करतात तेव्हा चांगलं कूलिंग होतं. चालू होता त्याच्यामुळं कूलिंग होत नव्हतं. मी केला होता पण ती वरच्यावरची ड्राय सर्व्हिसिंग होती, ही सर्व्हिसिंग केली तर याच्यामुळं चांगलं कूलिंग होतं. टेप मत लगाओ, जैसे बांधा वैसे बांधो. वो देखो नीचे और एक थी ना, किधर गए है ना. बांधना बहुत मुश्किल है. जुगाड़े देसी जुगाड़े. टेप से ही पहले चिपकाया था, टेप से नहीं चिपकते हैं. पूरा नहीं जा रहा है ना. आता दुसरे एसी सर्व्हिसिंग चालू केलं आहे. भैया आराम से निकलो, कुछ तोड़ो मत. आपकी हाइट छोटी कम पड़ रही है. थोड़े लंबे होते तो ऊपर तक दिखता ना. हाइट तो कम है लेकिन इसे ग्रिल जो है इसको इसी तरीके से निकाला जाता. लेकिन थोड़ी लंबी हाइट होती है ना तो अच्छे से दिखता है ना. हाँ देखो इधर अड़का है, इस साइड राइट साइड. हाँ तो ऐसे उसी चक्कर में टूटता है वो. देखो खींचो मत, ये बेड के ऊपर शायद चाहे तो खड़े रहो. ये क्या है, एक बार टूट गया तो बार बार नहीं आते नया कुछ.
पूर्ण क्लीन झालेला आहे, आता फिटिंग करून घेत आहेत. चला अभी फिटिंग कर रहे हैं. एसी क्लीन हो गया. ओके, नीचे वाले एसी का है ना, सेंसर नहीं चल रहे हैं. मतलब मोबाइल पे ऑन ऑफ करते हैं ना, तो एकदम पास लेके जाना पड़ता है मोबाइल. दूर से नहीं होते हैं, फोन से ऐसे होते हैं, एकदम पास से चलते हैं. नियर बाय, कम से कम 1 मीटर. हाँ, इतना ही दूर से ऐसे कनेक्ट हो रहा है. अरे यार, फोन से ऐसे ही कनेक्ट हो रहा है. उसका रिमोट किधर टिकता है बच्चों के पास? मैं एक दो बार लेकर गया, कनेक्ट हुआ ही नहीं. हाँ, रिमोट भी नहीं मिलता है, सही रिमोट नहीं मिलते हैं. कितनी बार मिलेगा? एक बार मैं लेकर आया था, वोल्टास का ही था रिमोट. हाँ, वोल्टास का ही था. बाद में मंगाया नहीं. फिर ये मोबाइल में चलता है ना, ये मैं का मोबाइल रहेगा ना, रेडमी का, उसमें चलते हैं. हाँ, रेडमी में सब रिमोट है. ऐसा सेंसर वाला. हाँ, लेकिन वो दूर से नहीं चलते हैं. फिर उठ के एकदम पास जाना पड़ता है, फिर बंद चालू करना पड़ते हैं. अच्छा, रिमोट से करना पड़ेगा. ये हो गया चालू, काम हो गया फिनिश्ड. अभी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है. डायरेक्ट बंद कर देना.